नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस लाइफ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस के ट्रांसफर के बारे में। जीडीएस का ट्रांसफर जो है सितंबर माह का आ चुका है 2023 में, और ये तीसरा ट्रांसफर है। साल में अब चार ट्रांसफर होते हैं, और जीडीएस एबीपीएम अपने एबीपीएम पोस्ट पर ट्रांसफर ले सकते हैं, और जीडीएस बीपीएम अपने बीपीएम पोस्ट पर ट्रांसफर ले सकते हैं। एबीपीएम का ट्रांसफर बीपीएम पे नहीं होगा, ना ही बीपीएम का ट्रांसफर एबीपीएम पे होगा। तो जिस भी जीडीएस कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में या अपने एरिया में ट्रांसफर लेना है, पहले नेट पे जाके अपनी अपने एरिया की वैकेंसी देख ले कि कहाँ कहाँ पोस्ट खाली है, उसके हिसाब से अप्लाई करें। अप्लाई करने का जो दिनांक है या जो तिथि है, वो 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक है। उसी के बीच में आप ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने से पहले आपका एम्प्लॉई आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एक दूसरे से ये सब लिंक होना चाहिए। तो जिसका भी लिंक नहीं है, वो जाके अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब एम्प्लॉई आईडी जाके डीओ में लिंक करा ले। लिंक कराने के बाद ही आप जीडीएस ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं। और आवेदन देने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है, जीडीएस में आपको काम करते हुए 1 साल हो जाना चाहिए, यानी आपका एक्सपीरियंस अगर 1 साल का हो गया, तभी आप जीडीएस में जीडीएस ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस ट्रांसफर से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो में जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।